राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गति अपेक्षा के अनुरूप चल रही है। वहीं समितियों के माध्यम से चल रही धान खरीदी समेत परिवहन संबंधित जानकारी के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ सुनील कुमार वर्मा से खास बातचीत साधना न्यूज के संवाददाता यतीश साहू ने की। आज हम पहुंचे हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव सीईओ सुनील वर्मा जी के पास। उनसे जानना चाहेंगे कि अभी जिले में धान खरीदी हो रही है तो समितियों में अभी धान परिवहन की किस तरह की व्यवस्था अभी सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है, संबंध में जानना चाहेंगे। बताइए वर्मा जी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अतिरिक्त 139 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है और उपार्जित धान की मात्रा 48 लाख क्विंटल हो चुकी है हमारे जिले में। उपार्जित धान की मात्रा के अनुपात में परिवहन का कार्य भी जारी है और इस हेतु जिला विपणन अधिकारी एवं कलेक्टर खाद्य के समन्वय से जिले में कलेक्टर राजनांदगांव के माध्यम से 125 ट्रक लगाए गए हैं और इसके द्वारा अभी तक जो परिवहन का कार्य है 13,50,000 क्विंटल का परिवहन किया जा चुका है, जो कुल खरीदी का 25% तकरीब होता है। और इस परिवहन के लिए नियमित समीक्षा माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में की जा रही है और इस संबंध में आवश्यक DO एवं PO दोनों जारी किए जा रहे हैं। DO के माध्यम से मिलरों द्वारा उठाव किया जा रहा है, शेष का उठाव विपणन संघ के संग्रहण केंद्रों में किया जा रहा है। PO DO मिला के कुल 13,50,000 क्विंटल धान का परिवहन सुनिश्चित कर लिया गया है। वर्मा जी, हम जानना चाहेंगे अभी कई समितियों में तालाबंद की स्थिति अभी आ गई थी क्योंकि वहाँ बारदाना की कमी बताई गई थी, इस संबंध में आपका क्या कहना है? यानी जो 139 केंद्र है, मात्र 2-3 केंद्रों में ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी पिछले हफ्ते, जहाँ पर कि बारदाने की अनुमानित की मात्रा उपलब्ध नहीं होने के कारण धान आया था, जिससे कि 1,000 कठाने मार्कफेड के माध्यम से अतिरिक्त प्राप्त होने के उपरांत उन केंद्रों पर भी खरीदी नियमित कर दी गई है और शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी केंद्रों पर जहाँ अगर कहीं पर ऐसी स्थिति होती है उसके लिए शासन के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के तहत किसानों का बारदाना क्रय कर खरीदी सुनिश्चित की जा रही है और प्रतिदिन तकरीबन 2 लाख क्विंटल की खरीदी सुनिश्चित हो रही है। 139 केंद्र जो पोर्टल पर दर्शित हैं और उनकी सूची नियमित रूप से जिला प्रशासन को वेबसाइट के माध्यम से चावल की अनुमति प्राप्त होने के बाद इसमें बारदानी की कमी भी दूर हो रही है। ये तो थे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक CEO श्री सुनील वर्मा जी, यतीश साहू, साधना न्यूज। आज हम और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साधना न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।